Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ. लास्ट दो वीडियो से मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ आपको अंदर की बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ सप्लीमेंट कंपनी से जुड़ी हुई. क्या ये कंपनीज हमारे साथ धोखा कर रही हैं या नहीं, क्या फैक्ट्स हैं ये, क्या ये हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही हैं नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था. तो मैंने आपसे ये भी बोला था कि मैं कुछ कंपनीज़ के बारे में रिसर्च करूँगा, मेरी टीम रिसर्च करेगी, प्रोफेशनल टीम, और सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि क्या ये कंपनीज़ वाकई में जेन्युइन हैं या फिर आपको बेवकूफ़ बना रही हैं. तो आज उसी से जुड़ी हुई पहली वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और वो है हमारा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन. ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ब्रांड एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है. इसके बारे में आज मैं आपको हमारी सारी रिसर्च, जितनी भी हमारी फाइंडिंग्स हैं, मेरी टीम ने जितना भी कुछ पता लगाया इसके बारे में, तो मैं सारी डिटेल्स आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. और गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारा 1 मिनट फिटनेस वीडियो सीरीज चल रहा है और मैं नहीं चाहूँगा कि आप वो मिस करें. और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सो गाइज, जब हम ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ब्रांड की बात करते हैं तो ये बहुत ही पुराना ब्रांड है. मतलब हिस्ट्री की बात करेंगे तो बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है इस ब्रांड की. 1986, मेरे जन्म से भी पहले से ये कंपनी काम कर रही है. लगभग 30 से भी ज़्यादा सालों से ये काम कर रही है कंपनी. तो इस कंपनी का जो ट्रस्ट लेवल है मार्केट में बहुत ही हाई है. और मैं सिर्फ इसकी तारीफ नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको कुछ डिटेल्स भी बताऊँगा. तो इस कंपनी को हमने कुछ 3 टेस्टों में इसको परखा. सबसे पहला टेस्ट जो हमने किया वो है आपका रॉ मटेरियल टेस्ट. तो भाई, हमने पता लगाया कि जो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कंपनी है ये रॉ मटेरियल कहाँ से लाती है. तो भाई, जब हम ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ग्लेनबिया नाम की एक कंपनी का ही पार्ट है जो रॉ मटेरियल को खुद बनाती है. खुद के प्लांट्स हैं इनके. ग्लेनबिया एक इतनी बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल चीज और न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स ग्रुप है, बहुत ही बड़ा, जो पूरे वर्ल्ड में रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करता है. और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ग्लेनबिया का ही पार्ट है. तो सोचिए कि इनके पास जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो कितनी ज़्यादा होगी, जबकि ये दूसरे ब्रांड्स को भी रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं. करोड़ों करोड़ों एकड़स के इनके फार्म्स हैं जहाँ गायियाँ पाली जाती हैं बहुत ही बड़े मात्रा में, और साथ ही साथ उनको ग्रास फेड अच्छी क्वालिटी में रखा जाता है, सही लिविंग कंडीशन में रखा जाता है, जिनका मिल्क की क्वालिटी बहुत ही हाई होती है जिससे वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं. एक ऐसी कंपनी जो इतने सारे प्रोडक्शन को खुद से कर रही है, उसमें क्वालिटी को डिग्रेड करने के चांसेस बहुत कम होते हैं. तो ये क्वालिटी कंट्रोल इनका रॉ मटेरियल में बहुत ही तगड़ा है. कम से कम पैसे में ये रॉ मटेरियल अपनी ही कंपनी से खुद प्रोड्यूस करते हैं. अभी तक आप लोगों को यही लगता होगा कि किसी भी वे प्रोटीन की क्वालिटी उसके वर्जन पे डिसाइड होती है, यानी कि वो अगर वे प्रोटीन आइसोलेट है और हाइड्रोलाइज्ड है तो हाई क्वालिटी, और कॉन्सेंट्रेट और ब्लेंड है तो लो क्वालिटी, या रॉ प्रोटीन है तो लो क्वालिटी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. आई नो कि मार्केट में यही झूठ फैलाया गया है और कई लोग इसी पर विश्वास करते हैं. किसी भी प्रोटीन की क्वालिटी उसके रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है. अगर वो रॉ मटेरियल जिस दूध से बन के आ रहा है, अगर वो दूध ही ख़राब है जहाँ से वो निकल के आ रहा है, उस काउ से, उस फार्म की कंडीशन ही ख़राब है, तो जो रॉ मटेरियल निकला है वो ख़राब होगा और उसकी क्वालिटी से बनने वाला जो भी प्रोटीन होगा उसकी क्वालिटी कम होगी. तो ध्यान रखिए, अगर कोई कंपनी बोलती है कि हमारा रॉ मटेरियल किसी फलाना जगह से आ रहा है, तो चेक करिए कि उस फार्म में रहने वाली गायों की कंडीशन क्या है, उस फार्म में काम करने वाले लोगों की कंडीशन क्या है, और किस तरह से कितनी बेहतर तरीके से क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है. सो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के हम रॉ प्लांट की बात कर रहे थे, ग्लेनबिया की. तो ग्लेनबिया के बारे में जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इंटरनेट में पड़ी हुई है. वेबसाइट में पूरा एड्रेस दिया हुआ है, कहाँ पे उनका हेड ऑफिस है, कहाँ पे उनका प्लांट है, बहुत सारे वीडियोज हैं, तो आप चेक कर सकते हैं. ये बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं हर उस सप्लीमेंट कंपनी से जो इंडिया में इस वक्त काम कर रही है या ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी काम कर रही है. इट्स देयर ड्यूटी टू टेल द कस्टमर्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग. दूसरा टेस्ट किया हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का. अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक सप्लीमेंट कंपनी में वो यूनिट होता है जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल पहुँचता है और उसके बाद उस रॉ मटेरियल से आप वे प्रोटीन आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट, ब्लेंड या किसी भी तरह के प्रोटीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें आप फ्लेवर्स डालते हैं. और इसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये पैकेजिंग भी होती है, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद आप बॉक्स के अंदर डालते हैं, लेबलिंग करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट आपका इसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनता है. यानी कि रॉ मटेरियल आने के बाद सारा काम इसी यूनिट में होता है जब तक कि ये
कस्टमर के पास ना पहुंचे उसी कंडीशन में, यानी कि बॉक्स बंद हो गया यहाँ, उसके बाद ये कस्टमर के घर पे या कस्टमर के पास उसके हाथों में ही खुलेगा, राइट। तो जब हमने ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चेक किया तो इनके बहुत सारे प्लांट्स हैं, क्योंकि ग्लेनबिया ओन करती है इन सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, और बहुत ही बड़ी तादाद में ये मैन्युफैक्चर करते हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स को, क्योंकि बहुत ही वर्ल्ड वाइड इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अब देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी से ऑप्टिमम न्यूट्रिशन अपने ही बॉक्स में क्लियरली मेंशन करता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओन्ड बाय ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, उसमें एड्रेस भी देता है बकायदा। अब इससे क्या होता है कि कस्टमर का ट्रस्ट लेवल बढ़ता है कंपनी में, और साथ ही साथ जो डुप्लीकेसी है, जो फेक प्रोडक्ट्स का बनना है, वो कम हो जाता है या बंद हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा प्रोडक्शन एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बॉक्स बंद हो गया, सील पैक हो गई, डब्बा बंद हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, उसके बाद खुलेगा कस्टमर के हाथों में, तो डुप्लीकेसी के चांस ही नहीं है यहां पे। तीसरा टेस्ट किया हमने डिलीवरी का। अब किस तरह से ये ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट जो बंद हो गया है यूएसए में आप तक कैसे पहुंचता है? आप तक पहुंचाने के लिए ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ने टाइप किया हुआ है इंडिया में ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, जिसका नाम है ब्राइट कमोडिटीज। अब ऑन का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में अगर आएगा तो वो सिर्फ ब्राइट कमोडिटीज नाम के डिस्ट्रीब्यूटर ही लेके आएंगे, यानी कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का डब्बा अगर आप इंडिया में खरीदते हैं कहीं से भी किसी भी ऑथराइज डीलर से, तो वो आपको सबसे पहले तो होलोग्राम स्टीकर लगा के देखा, जो कभी भी ख़राब नहीं हो सकता, कोई भी टेम्पर नहीं कर सकता उसे, जिसमें ब्राइट कमोडिटीज़ का स्टीकर होगा, होलोग्राम स्टीकर, और साथ ही साथ जहाँ से भी आप खरीद रहे हैं वो आपको एक ऑथेंटिक बिल देंगे विद GSTIN नंबर। तो ये बहुत ही ज़रूरी है जहाँ से भी आप खरीद रहे हैं, बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जो क्लियरली मेंशन करती हैं कि ये सर्टिफाइड है ब्राइट कमोडिटीज से और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के ये ऑफिशियल डीलर हैं। तो आप चेक करें कभी भी जब भी सप्लीमेंट खरीदें, मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है, और ब्राइट कमोडिटीज़ की सारी डिटेल्स आपको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स वाली लिस्ट में मिल जाएगी इंडिया के। तो गाइज ये इतना ट्रांसपेरेंट होकर काम करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज कस्टमर्स को लगता है कि यार ये तो धोखा ही किया जा रहा है, कोई भी सच नहीं बता रहा, हम ईमेल करने में लगे हुए हैं, वेबसाइट पे कुछ लिखा नहीं है, आज वीडियो में कुछ बोला, परसों कुछ बोला, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही कंफ्यूज करती हैं कस्टमर को। तो गाइज ये ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सप्लीमेंट कंपनी के साथ। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सप्लीमेंट कंपनी को रॉ मटेरियल का प्लांट ओन करना चाहिए, उसके खुद के फार्म्स होने चाहिए, ऐसा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रखनी चाहिए, बताना चाहिए कस्टमर को कि भाई मैं यहाँ से उठाता हूँ, अगर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी नहीं है तो मैं कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करा रहा हूँ, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और ये थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी अगर आपका खुद का नहीं है सप्लीमेंट कंपनी होते हुए, तो ये चीज़ें यू नो क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और खुद उस ब्रांड पे भी आप ट्रस्ट पूरी तरीके से नहीं कर पाते। अब बात करते हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की, तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का प्राइस दूसरे ब्रांड से थोड़ा सा ऊपर है। अभी करंटली अगर आप इंडिया में देखेंगे तो कुछ 5700 का बॉक्स आपको 5 LVS का मिल रहा है, जो प्रीटी एक्सपेंसिव, उसी प्राइस में आपको दूसरे ब्रांड्स भी मिल सकते हैं। तो ऑलवेज गो फॉर अ ब्रांड जो आपके पॉकेट को सूट करता हो, आपके बजट में फिट होता हो। मैंने आपको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ही लेना है और मैं कोई ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर बन गया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा काम सिर्फ यही था कि मैं आपको बेस्ट जो चीज़ मार्केट में है उसके सारे प्लस पॉइंट्स बताऊँ, उसकी सारी रिसर्च बताऊँ, ताकि आप इस चीज़ को कंपेयर कर पाएं उन ब्रांड से जो आपके पॉकेट में फिट होते हैं, क्या ये चीज़ सस्ता होने के साथ साथ ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। अगर नहीं कर रही है ना, तो गाइज प्लीज़ बी स्मार्ट, बी ए स्मार्ट कस्टमर, और अपने साथ ये धोखा मत होने दीजिए। सो गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के बारे में, एंड डोंट वरी, मैं बहुत सारे और ब्रांड्स लेके आऊँगा, इंडियन ब्रांड्स भी लेके आ रहा हूँ। थोड़ी सी हमारी जो टीम है वो रिसर्च करने में लगी हुई है, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको आधी अधूरी रिसर्च में इन्फॉर्मेशन दूँ। जैसे ही हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, मैं धीरे धीरे ये वीडियोज़ बनाते रहूँगा, रिव्यू वीडियोज़ हर ब्रांड को लेके। और मुझसे सवाल पूछने से पहले किसी भी ब्रांड के बारे में आप खुद से एक बार देख लीजिए कि क्या उसकी वेबसाइट में ये सारी इन्फॉर्मेशन
दी गई है, ट्रांसपेरेंसी की जो मैं बात कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, डिलीवरी कैसे हो रही है, अगर ये वो नहीं दे रही या नहीं देना चाहती तो बहुत ही बड़ा डाउटफुल केस है, समझ जाइए। लेकिन अपनी तरफ से मैं कुछ ब्रांड्स को लेके आऊँगा और जल्दी ही आपसे बात करूँगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए, बताइए मुझे कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। और उसके साथ साथ और ब्रांड्स के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड गाइस टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।